नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस एक्सेल की वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल। ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं। क्लासेस हमारी लाइव होती है, इंटरेक्टिव होती है, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। जी हाँ, इस गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप हमारी एक कंप्यूटर स्क्रीन लाइव अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं और हेडफोन यूज करके आप मेरे साथ लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे 9 से 6 ट्रेनिंग सेंटर खुला रहेगा, आप वर्किंग हो तो कैसे जा सकते हो, या जा भी पाओगे तो घंटे 2 घंटे की जर्नी टाइम होगी, फिर वहां पे वेटिंग करना होगा, फिर सेम प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये हमारी जो ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये क्लासरूम से बेटर ट्रेनिंग है, जो कि आप अपने घर पे बैठ के लाइव मेरे साथ ले सकते हो। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम आपके साथ कुछ नई चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट डेटा मतलब कि हमारे पास एक डेटा है, मतलब कि कई सीटों में डेटा है, उसकी एक समरी मुझे एक डेटा सीट पे निकालनी है। तो कंसोलिडेट का यूज करते हैं, कंसोलिडेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस, मतलब कि वन बाय वन हम जितने भी डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। सेलेक्ट कीजिए एंड ऐड कीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऐड, सेलेक्ट कीजिए ऐड, सेलेक्ट कीजिए एंड ऐड। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम क्या चाहिए, तो मैं सम ही चाहिए। टॉप रो लेफ्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सम हो और क्रिएट डेटा लिंक, कहां से कौन डेटा है वो लिंक क्रिएट हो जाए। और मैंने ओके किया, ये बेसिकली मेरा सिलेक्शन जहां था वहीं पे बनना चाहिए, सिलेक्शन हमने कहीं और कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए कि जैन, मतलब कि जो चार पांचों सीट में जो जैन का टोटल है वो टोटल यहाँ पे दिख गया 419441। तो यहाँ पे एक तो है कि हो सकता है कि जनवरी इसमें रिपीटेड हो, यहाँ पे देखिए रिपीटेड है जनवरी, लेकिन डेटा में वन टाइम आया है और चारों में जितना है सब आया है। अभी आप देखना चाहते हैं कि 419 जो है वो कितने से बना हुआ है, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेंगे कि ये बुक वन, मतलब सीट बाय सीट होता है, तो नाम सीट नेम नहीं शो करता है, फाइल का नेम ही आपको यहाँ शो करेगा और यहाँ पे डेटा आपको दिखेगा। और ये लिंक होता है ताकि अगर डेटा चेंज हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 300 कर दिया जैल में, तो एंटर मारते ही आपका यहां चेंज हो जाएगा और आपका टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो इस समरी, अब इस पे आप चार्ट वगैरह और बाकी चीज रिपोर्ट्स वगैरह आप बना सकते हैं या डेटा समराइज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका डेटा चेंज होगा, ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सीट टू में मार्च में 500 डाल देता हूँ, तो एंटर मारते ही देखिए ये बढ़ गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका चेंज होते जाएगा। तो डेटा मेनू बार के अंदर में हमारे पास डेटा कंसोलिडेट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका एक चीज है कि ए हम सिर्फ इसी में यूज नहीं करते, हम पिवट के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको। तो पिवट के साथ यूज करने के लिए आप अल्ट की दबाइए और जो 2003 का पिवट था उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो डी एन पी, डी फॉर डेटा, पी फॉर पिवट आ जाएगा। यहां पे देखिए मल्टीपल कंसोलिडेटेड रेंज यहां पे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद एक एक करके डेटा को ऐड करते चले जाइए। एड अगेन, उसको सिलेक्ट किया, एड नेक्स्ट, एड
सिलेक्शन करना है कि एक ही सेम डेटा है, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है लेकिन आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड फिनिश, ये हमारा पिवट आ गया जिसमें मंथ वाइज यानी आपका सेल्स है या टोटल है आपका, और सीट के हिसाब से भी है, पर सीट आप देख सकते हैं आइटम वन आइटम टू आइटम थ्री से दिखेगा आपको, लेकिन इसको कर सकते हैं। अगर से मान लो कि सीट वाइज चाहिए, हर सीट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो इसके ऊपर रख दिया मैंने आइटम वन आइटम टू, तो इसके लिए आप यहाँ पे सीट वन सीट टू सीट थ्री इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं आप, या जो भी वही सीट का हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। और ये प्लस माइनस का निशान है जिससे आप इसको अगर एक साथ करना है एनालाइज में जाइए और ये माइनस कर दीजिए एंड प्लस कर दीजिए, इस तरह से आपके टोटल्स। टोटल हटा दिया और मैं एक काम करता हूँ आइटम्स को यहाँ रख देता हूँ, तो ये हमारे हर सीट के हिसाब से यहाँ पे टोटल दिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पिवट में भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये तो हमारी डेटा कॉन्सेप्ट रेंज रही, अगले वीडियो में हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ लाइव क्लासेस लें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कुछ प्रमोशनल वीडियो ही डालता हूं, कंप्लीट वीडियो नहीं डालता हूं, लेकिन आप मेरे साथ जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको हम कंप्लीट ए टू जेड एक्सेल वीवीए एक्सेस सिक्वल के साथ कंप्लीट आपको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको शक है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होगी, तो आप जो है मेरे साथ ऑनलाइन दो या तीन डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लासेस का फॉर्म फिल कर दें, वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दें। ज्यादा प्रॉब्लम हो या किसी तरह का क्वेश्चंस पूछने हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिल जाए देखने को, एंड अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और साथ में कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।